दोस्तों जय श्री राम। चित्रकूट वह पवित्र जगह है जहां प्रभु राम माता सीता और लक्ष्मण के साथ अपने वनवास के 11 साल व्यतीत किए थे। दोस्तों चित्रकूट उत्तर प्रदेश के मंदाकिनी नदी पर स्थित भारत का सबसे पुराना धार्मिक स्थल है जो अपने प्राकृतिक सांस्कृतिक ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व के लिए जाना जाता है। तो चलिए देखते हैं चित्रकूट के कुछ प्रमुख आकर्षण केंद्र के बारे में। पहला आता है रामघाट। मंदाकिनी नदी के रामघाट पर स्नान कर और आसपास में उपस्थित मंदिरों का दर्शन करके चित्रकूट की यात्रा का प्रारंभ किया जाता है। रामघाट पर होने वाली संध्या आरती तथा रंग बिरंगे नाव और घाट की सजावट बहुत ही सुंदर और अलौकिक होती है। दूसरा आता है कामतगिरी पर्वत। श्रद्धालु कामतगिरी पर्वत की 5 किलोमीटर की परिक्रमा कर अपनी मनोकामनाएं पूर्ण होने की कामना करते हैं। जंगलों से घिरे इस पर्वत के तल पर अनेक मंदिर बने हुए हैं। चित्रकूट के लोकप्रिय कामतानाथ और भरत मिलाप मंदिर यहीं स्थित है। कामतानाथ मंदिर में पूरे साल श्रद्धालुओं का आना जाना लगा रहता है। आप कामतानाथ पर्वत की परिक्रमा करते समय रास्ते में पड़ने वाले अनेकों धार्मिक स्थल का दर्शन कर सकते हैं जिसमें लक्ष्मण पहाड़ी भी शामिल है जहाँ से लक्ष्मण जी सीता और राम जी की सुरक्षा में पहरा दिया करते थे। तीसरा है हनुमान दारा। कहा जाता है कि जब हनुमान जी ने लंका में आग लगाई उसके बाद उनके पूंछ में जलन होती थी जिसे शांत करने के लिए राम जी ने बाण से इस धारा का निर्माण किए थे। यह रामघाट से 3 किलोमीटर दूर पहाड़ी पर स्थित है। मंदिर तक पहुँचने के लिए 500 सीढ़ियों के माध्यम से या रोपवे के माध्यम से आप पहुंच सकते हो। आप हनुमान दारा पहुंचकर पंचमुखी हनुमान जी हनुमान दारा मंदिर और सीता रौसैया देख सकते हैं। चौथा है गुप्त गोदावरी। दोस्तों गुप्त गोदावरी रामघाट से 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहां दो प्राचीन गुफाएं हैं। पहला गुफा जहां दो बड़े चट्टानों के बीच से होकर जाना होता है। आप गुफा के अंदर पहुंचकर माता सती अनुसुईया धनुष कुंड सीता कुंड का दर्शन कर सकते हैं। एक कथा के अनुसार कहा जाता है कि यहीं मंदाकिनी नदी ने गुप्त रूप से राम के दर्शन के लिए अवतरित हुई थी और इसके बगल में स्थित पानी वाली गुफा को भी आप देख सकते हैं। पांचवा है माता सती अनुसुईया आश्रम। यह जगह प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर है। कहा जाता है कि यहीं पर माता सती अनुसुईया ने ब्रह्मा विष्णु महेश को बालक स्वरूप में बदल दिया था और यहीं पर मंदाकिनी नदी का उद्गम स्थान भी माना जाता है। आप यहां मामूली शुल्क देकर राम दर्शन म्यूजियम में रामायण की झांकी भी देख सकते हैं। चित्रकूट पहुंचने के लिए करवी सबसे निकटतम रेलवे स्टेशन है। यह चित्रकूट से मात्र 8 किलोमीटर की दूरी पर है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।